इस फेडरेशन इस सरकार का इस नीति का खिलाफ में हमारा तो लड़ाई है ना, हम सरकार को छोड़ेंगे नहीं। हम हाईकोर्ट में जीतेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मान लिया हम हाईकोर्ट में हारेगा, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। उसका अलावा सरकार ने खुद हमारा केस में फंस गया, सरकार खुद AIDF का मद्रास हाईकोर्ट का केस में फंस गया, सरकार ने खुद उसका एफिडेविट में लिख दिया, तब तक कर्मचारी कॉरपोरेशन में ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं देगा तब तक वो केंद्र सरकार कर्मचारी ही रहेगा। अभी उसका खिलाफ में वो जाएगा तो हम सेक्रेटरी का ऊपर तो कंटेम्प्ट फाइल करेगा, नहीं करेगा, करेगा। इसलिए साथियों, कभी भी मैनेजमेंट की तरफ से कोई चिट्ठी आएगा आप दस्तखत करो, बिना फेडरेशन का नॉलेज कॉरपोरेशन के बारे में एक भी काकस में आप लोगों को दस्तखत करना नहीं है। हम केंद्र सरकार कर्मचारी से भर्ती हुआ, हम केंद्र सरकार कर्मचारी से ही रिटायरमेंट, वो आश्वासन आपको हम देना चाहता हूं। अब कोई भी सरकार दिल्ली में हो, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। वी ऑल विल रिमाइन, वी ऑल विल रिटायर एज डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज एज सेंट्रल गवर्नमेंट लाल सलाम। ये मैसेज आप लोग सभी एम्प्लॉइज को कन्वे करना है। बाकी तो COD का इश्यूज है, MES का, EME का, सभी इश्यूज उन लोग के साथ हम अलग बैठ करके बातचीत करेंगे। आप लोग इस स्टंट क्लाइमेट में भी एयरपोर्ट में आके इतना बढ़िया स्वागत हमको किया, आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, लाल सलाम।